हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेगा रिसर्च एकेडमी। मेगा रिसर्च एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हम सब आप सबका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करना चाहते हैं। ओके, तो माय नेम इज़ अंकुर सिंह, आई एम बॉटनी बॉटनी टीचर, मतलब टीचर क्या कह सकते हो यार, बड़े भैया बोलो। ठीक है, तो हम आपके बड़े भैया बॉटनी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेकर चलते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? और एक बात और यार, आप सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा केयर करिएगा कि आप सब के कुछ बच्चों के द्वारा कमेंट आया हुआ है कि मतलब कुछ हमारे छोटे भाइयों या बहनों के द्वारा कमेंट आया हुआ है कि सर आप कोई सेंटेंस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो यार मतलब एक बार और देन रिपीट थोड़ा एक दो बार रिपीट कर देता हूँ। तो इससे दरअसल मेरा यार पर्पस या मोटो केवल ये करना नहीं है कि आप सबको यहाँ पे पढ़ा दूँ प्रॉपर, मतलब एक नोट्स बनवा दूं, वही आप बस जाके रट लो। ठीक है, मेरा मेरा ये मेन मोटो रहता है यार कि आप सबको, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरा ये मेन मोटो रहता है कि आप सब जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल में या समझ के चलिए, क्योंकि आप सबको देने में फ्यूचर में काम आने वाला है। ठीक है, और अगर आप सबको और कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक बच्ची कमेंट की थी कि आप सबको जो है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ यार कि मैं आई एम बिलोंगिंग विद अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। ठीक है, मैं बिलोंग करता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट से। ठीक है, तो थोड़ा सा यार आप अगर CBSE या ICSE से हो तो ये चीज़ याद रखना कि आप हो तो कुछ हम सबका जो टर्मिनोलॉजी होता है वो अकॉर्डिंग टू द हिंदी हम सबका कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी होता है कि हम सब जब वो यूज करते हैं ना यार, तो कुछ ना कुछ समथिंग ऑफ द मतलब जब हम यूज करते हैं तो हम सबका कुछ ना कुछ हिंदी में मिक्सअप रहता है। और आप सबका लाइक देन अगर हम मैं फॉरेन लैंग्वेज बोलने लगूँ तो आप खुद ही यू डिड नॉट गॉट इट योर पॉइंट्स। ठीक है, एक भी पॉइंट्स आप पकड़ने कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही यही रहता है कि मतलब यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, मतलब ये लैंग्वेज अब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बोल रहे थे कि आप प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा और क्लियर किया करें, क्लियर करिए, क्लियर करा करिए। ठीक है, तो और अगर कर देंगे तो फिर आप सबको फिर आई थिंक आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ कवरेज चला जाएगा। तो आप सब इतने पे ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज मैं लेकर के चलता हूँ। इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर चुका हूँ, प्रीवियस भी लेक्चर में आपको जा कर के देख लेना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस लेक्चर में आप सबको जाके बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, अब चलते हैं एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं। एल्गी, अब भैया बताओ एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कितने प्रकार से है और देन कितने कितने टाइप्स का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में? अगर एल्गी में होता है तो कितने टाइप्स का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अरे मेरे को बता दो भाई, अरे बड़े भैया थोड़ा बताओ ना कितने प्रकार का होता है। अरे चलो ना जी बताते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आप बात कर सकते हो तो एक्सेप्शन में कुछ आते हैं, पहले यहाँ से नोट करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ पॉइंट लगा के। ठीक है, एक्सेप्ट साइनोफाइसिंग, ठीक है, साइनोफाइसी को एक्सेप्शन केस में मान कर चलते हैं जब, तो हम ये मानते हैं कि एक्सेप्ट साइनोफाइसी ईच इन ईच ऑफ द इन ईच ऑफ द एल्गी आर प्रेजेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप एक्सेप्शन में अगर साइनोफाइसी को लेंगे तो इसके अलावा जितने भी आपके एल्गीज हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, सब में ईच ऑफ द सेक्सुअल एवरी बियर, ठीक है ना, जितने भी आपके एल्गी हैं सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। बस इसमें इतना बताता है, ठीक, इसमें इतना बताता है, इतने टाइप होते हैं। ठीक, अब उसको चलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि अब आप भी समझ सकते हो, अगर मेल मेल ओवा एंड फीमेल फीमेल, जैसे मेल स्पर्म हो गया, मेल स्पर्म
मेल स्पर्म हो गया एंड फीमेल का ओवा हो गया। ह्यूमन के केस में लेकर चलते हैं, तो ह्यूमन क्या, अगर आप किसी एनिमल के केस में लेकर चलते हैं ठीक है, स्पर्म एंड ओवा जब आपके फर्टिलाइज होते हैं या फ्यूज होते हैं तो फॉर्म करते हैं एक नए जायगोट का, ठीक है, एक नए जायगोट का आपका फॉर्म करते हैं। जब आप आपस में कपलेट करते हैं, फ्यूज करते हैं, तो देन आपका, क्योंकि ये हैप्लॉइड कर्ली कंडीशन में होते हैं, जब ये फॉर्म करते हैं डिप्लॉइड ना, तो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमिट्स, जब इसके मेल एंड फीमेल गैमिट्स, मैं ये समझाने के लिए आपको बताया हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल लीजिएगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमिट्स जब आपस में फर्टिलाइज कर जाते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट जब आपके आपस में मेल एंड फीमेल गैमिट जब फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज टू फॉर्म ए न्यू जायगोट, ठीक है, जब आपके मेल एंड फीमेल गैमिट, इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें केस यही है कि साइनोफाइसिप के एक्सेप्ट को लेकर के आल जितने भी ईच और द एल्गी प्रेजेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट आर फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू जायगोट, फ्यूज एंड फॉर्म करते हैं एक नए जायगोट का, यही आपका होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ जब आपका जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एक नए जायगोट का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नए जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ जीन्स, कुछ जीन्स बाय द ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा है। तो जब डीएनए रिप्लिकेशन करेगा, ठीक है, तो कुछ जीन्स जो है ट्रांसमिट होकर ना होंगे ना, मतलब एक जनरेशन से दोनों, मतलब अगर ए वन जनरेशन और टू जनरेशन दोनों में दोनों हैं, ठीक है, एक मेल है फीमेल है, कुछ ना कुछ जीन्स आपस में एक्सचेंज होंगे ना यार, कुछ ना कुछ जीन्स आपस में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो बस यही बताता है कि एक नए मतलब आपका फॉर्मेशन करता है, एक नए कपलेट करके एक नए जीन्स का फॉर्मेशन करता है, ये नए जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कुछ जीन्स आपस में चेंजेस रहते हैं, चेंज रहते हैं। मैं थोड़ा बगल इसलिए हो जा रहा हूँ कि आप सब जो है इसको अच्छे से, अच्छी तरीके से नोट कर पाइए, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से नोट कर पाइए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स की होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हैं इन एल्गी। अरे भैया बता दो, बड़े भैया थोड़ा बताओ ना, एक बार यार मुस्कुरा भी दिया करो, कभी एक बार मुस्कुरा भी दिया करो, अरे हंसते रहा करो यार, बस लाइफ थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा शॉर्ट टाइम रहता है यार अपने सब पास, 16-17 ज़्यादा एज तो है नहीं किसी के पास भी, ठीक है, इतने में ही जो करना हो तो कर ले जाओ, ठीक है, मस्त एकदम चंगे रहो, एकदम तगड़ा वाला माहौल बनाए रखो, ठीक। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलते हैं तो कितने टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अरे भैया बता दो भाई, अरे भैया थोड़ा बता दो कितने टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं एलगी में, अरे कुछ बता दो ना जी, अरे कुछ बता दो ना जी। अब चलो हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं, पहला ऑटोगैमी, दूसरा होलोगैमी, भाई साहब ध्यान से सुनो, आइसोगैमी, च
चौथा एनाइसोवेमी। पांचवा उगैमी, बस और ज्यादा नहीं बस पांच प्रकार के। ठीक है, आइसोगैमी, आउटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड उगैमी। ठीक है, इतने ही प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं एल्गी में तो इतने ही प्रकार के होते हैं। देख लो, आउटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। बस आराम से याद हो गया, मतलब तो बहुत सरल है यार। एक बार याद करो, गैमी 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 लास्ट में लगा है तो आउटो, होलो, आइसो, एनाइसो, ओगैमी। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया ना, ये देखो, आइसो, एनाइसो, ओगैमी, आउटोगैमी, होलोगैमी, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। अरे यार, इसको बोल बोल बार बार रिपीट ना, तुम रिपीट करोगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, ये मेरे को ना बोलोगे मैं आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबको समझ में आए, आप सबको अच्छे तरीके से जो समझ में आ जाए वही हमारे लिए देन सफिशियंट है। तो मैं एक एक पॉइंट को उठाऊंगा और लेके चलूंगा, आप सबको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से मैं इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। ओके ओके भैया, अरे चलो जी, आगे चलो, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेट होता है तो लेट होने दो भाई, थोड़ा लेट होता है तो लेट होने दो। चलो अच्छे से पढ़ते हैं, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं जी, अच्छे से पढ़ते हैं। थोड़ा लेक्चर लेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो व्याकरण नहीं छूटना चाहिए, वो ऊब नहीं छूटनी चाहिए ना, ऊब आपको नहीं छूटनी चाहिए। आराम से पढ़ो, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से पढ़ो समझ में आ जाएगा। मस्त एकदम फ्लेवर लगा के समझो यार, बस कुछ नहीं। ठीक है, मस्त एकदम फ्लेवर लगा के समझो। अब ऑटोगैमी को चलते हैं। ऑटोगैमी, भैया बता दो ऑटोगैमी होता क्या है, अरे मेरे को बता दो ऑटोगैमी होता क्या है। ठीक है ना, ऑटोगैमी यहाँ पे क्या कहना चाहता है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। देन टू गैमीट्स, देन टू गैमीट्स आर सेम मदर सेल सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म ए फ्यूज टू फॉर्म ए न्यू जाइगोट या ए न्यूक्लियस, जिसको भी कह सकते हो, ए न्यूक्लियस जो भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड ये क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड आउटोगैमी। ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहाँ पे बस इतने में ही, ठीक है, इतने में ही है। देन टू गैमेट्स आर सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ठीक है ना, फ्यूज टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब आपका, जब देन टू गैमेट्स आर सेम मदर सेल, ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म करता है। ठीक है, एक फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ टू एन डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, यहाँ टू टू एन रहेगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। जब आपका मतलब हैप्लॉयड तो करेगा नहीं ना यार, गैमेट्स जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉयड ही न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं ना, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। टू एन का मतलब समझ जाइएगा यार, डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है ना, देन टू गैमेट्स आर सेम मदर सेल, जब दो डिफरेंट गैमेट्स हो जाए, एक मेल गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स को बोलता रहा मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपका क्या करते रहे, ठीक है, आपका जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट क्या करा,
मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट क्या करा कि आपका जब फ्यूज किया तो अगर जब आपका फॉर्म किया ना फ्यूज तो फॉर्म है डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑटोगैमी। सब चीज़ भाषा सरल है, लैंग्वेज सरल है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसे बताया। चलो मैं बताता हूँ कैसे बताया। मैं मान लेता हूँ एक आपका एक ये ट्री बना देता हूँ, एक एक फ्लावर फ्लावर ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावर का प्लांट है, ठीक है मैं बना देता हूँ यार थोड़ा सा। ठीक यहाँ मान लो कि कोई फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे मान लो कोई फ्लावर लगा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ है, ये पेरेंटल तो एक ही हुआ ना, ये सेम पेरेंट का है क्योंकि सेम पेरेंट का है क्योंकि एक ही फ्लावर से लगा हुआ है, ठीक है ये फ्लावर जो है एक ही पेड़ से लगे हुए हैं, ठीक है ये सेम पेरेंट का है, ये जो इसका पेरेंट है ये सेम मदर सेल का है, ये इसका मदर सेल तो मतलब इसका पेरेंटल पेरेंटल मदर सेल एक ही है ना, पेरेंटल मदर सेल इसका एक ही है, ठीक है तो ये सेम सेम ट्री है, मतलब एक ही पेड़ से निकले हुए दो फूल, एक ही फ्रेम मतलब एक ही पेड़ से निकले हुए दो फूल, ऐसे मान चलते हो कोई चीज़ गुड़हल, या तो गुड़हल का मान लो या तो आप गेंदे का मान लो, गेंदा गेंदा मेरी गोल्ड जो होता है, ठीक है मेरी गोल्ड जो होता है मेरी गोल्ड का मान लो आप जब देखते हो फ्लावर तो एक ही प्लांट में अगर दो तीन फ्लावर्स लगे हुए रहे, ठीक है तो ऐसा उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। जब यहाँ यहाँ से मेल गैमिट्स, ठीक है यहाँ से मेल गैमिट्स पॉलन पॉलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, पॉलन ग्रेन जब आपके आपके जा करके फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज करते हैं, फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज करने के लिए जब आपके स्टिग्मा पे हम अटैच होते हैं, स्टिग्मा से अटैच होकर के फिर पॉलन ट्यूब की तहत पॉलन ट्यूब के तहत जब आप ओवरी में जा करके फर्टिलाइज करते हैं जना पर डिप्लॉयड जायगोट आपका फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये जो पूरा कंडीशन होता है ना भाई साहब एक ही फ्लावर मतलब ये पेरेंटल सेम होते हैं, पेरेंटल अगर देखते देखते हैं तो सेम पेरेंट के होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है सेम पेरेंट के अगर मैं कुछ मान चलो को कोई एक इसका इसका कोई ऐसा आवरण बनाता हूँ जैसे कोई इस पे इंसेक्ट वगैरह ना बैठने पाए, ठीक है तो ये क्या करें ये क्या करें ये इसमें थोड़ा सा हवा में डाल देता हूँ, ठीक है हाँ क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा इनको वो चाहिए ना वेक्टर चाहिए किसी कोई ना कोई वाहक चाहिए जो कि एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर पाए, ठीक है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा पाए ट्रांसमिट कर पाए, ठीक है तो यहाँ से वहाँ तक जो वेक्टर चाहिए ठीक है वो मैं इंसेक्ट को हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ से फर्टिलाइज करके कोई अनादर प्लांट मतलब इसके जस्ट बगल होगा, ठीक है तो वो उससे फ्यूज कर जाएगा। अगर मैं मान चलूँ सिमिलर सेम टू सेम थोड़ा सा वैक्यूम या तो मैं खुद खुद ही ब्रश ले करके इससे निकाल करके इसमें अगर लगा देता हूँ, ठीक है तो हमारा क्या करेगा ये अगर सोसेफली अपना फर्टिलाइज करता है और तब डिप्लॉयड न्यूक्लियस अपना फॉर्म ही करेगा, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म ही करेगा देन इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। अगर ऐसा फॉर्म करता है कोई गैमिट का ऐसा जी फॉर्म करता है कोई गैमिट का तो आपका बोला जाएगा यहाँ पे ऑटोगैमी, ऑटोगैमी यहाँ पे बोला जाएगा, बस एकदम सिंपल फॉर्म है बस इतना समझो, एकदम सिंपल फॉर्म है, समझ में आया जी यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया ना ये हो गया आपका ऑटोगैमी, ठीक है ध्यान से समझिएगा थोड़ा बहुत यार मतलब फिगर वगैरह अच्छा से नहीं बनता, ठीक है बोलते हैं कि सब बहुत मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यार जो जूलॉजी है बॉटनी मतलब जो साइंस साइड से रहता है बीएससी वगैरह करता है तो उसकी आर्ट वगैरह थोड़ा सा अच्छी होती है यार, लेकिन अपनी जो है हिली डुली है, ठीक है तो हंसिएगा ना, ठीक है समझाने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करूँगा कि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है समझाने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करूँगा। तो अब चलते हैं होल उगाने की तरफ, सेकेंड में आके आपके आ गया होलोगैमी। होलोगैमी भाई साहब अरे समझाओ जी ये होलोगैमी होता क्या है यार, होलो जी हेलो हेलो मतलब हेलो करते हैं ना हेलो जी होलो जी होलो जी होलोगैमी होता क्या है, होलोगैमी है क्या अरे बता दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत होलोगैमी होता क्या है, ठीक है The vegetative cell have different strain. The vegetative cell of
डिफरेंट स्ट्रेंथ पहला प्लस स्ट्रेंथ एंड माइनस स्ट्रेंथ मेल एंड फीमेल आर आर फ्यूज टू फॉर्म एंड डिप्लॉयड जायगोट। अरे एक थोड़ा बहुत बोल देते हैं यार, fused to form diploid zygote is known as hologamy। समझ में आया जी समझ में आया कुछ इसमें क्या बोल रहा है? अरे इसमें बोल रहा है द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्लस एंड माइनस स्ट्रेन। ठीक है जो प्लस एंड माइनस स्ट्रेन होता है आर फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। लेकिन प्लस एंड माइनस स्ट्रेन मेल एंड फीमेल का प्लस एंड माइनस स्ट्रेन जिसको मेल एंड फीमेल स्ट्रेन बोला जाता है आर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। आर जो फ्यूज और फॉर्म करता है एक नए जायगोट का, डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं होलोगैमी। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि होलोगैमी यहाँ पे हो रहा है? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि होलोगैमी हो रहा है? ठीक है, जो आपके यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो आपके मेल एंड फीमेल गैमिट हैं, यहाँ जो आपके मेल एंड फीमेल गैमिट हैं, जो आपके मेल एंड फीमेल हैं, यहाँ पे मैं बताया हूँ जो आपका मेल एंड फीमेल है वो बिहेव करता है एक लाइक देन, इसको गैमिट ही मान चलो, इसको गैमिट ही मान चलो, ये जो मेल एंड फीमेल है इसको मैं गैमिट ही मान चलता हूँ। ठीक है, इसको मेल एंड फीमेल, यहाँ पे गैमिट की बात हो रही है, आप अदर कुछ समझिएगा ना। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट की बात हो रही है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मेल एंड फीमेल गैमिट की बात हो रही। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन प्लस एंड माइनस स्ट्रेन, जब प्लस एंड माइनस स्ट्रेन का होगा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, वेजिटेटिव सेल, ठीक, वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे समझिएगा डिफरेंट स्ट्रेन क्या हुआ, कि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेन का मतलब, बोलने का मतलब हुआ कि जब एक प्लांट, मैं अगले वाले में समझाया था ना ऑटोगैमी में, ऑटोगैमी से ये टू डिफरेंट पोजिशन पे होता है, टू डिफरेंट पोजिशन पे होता है। ठीक है, ठीक है, टिक टू डिफरेंट पोजिशन पे होता है। ठीक है, ये ऑटोगैमेट से टिक टू डिफरेंट पोजिशन पे होता है। ठीक है, मतलब कैसे टिक टू डिफरेंट पोजिशन पे होता है, ये देखिए, मतलब ये हुआ मेरा एक फ्लावर, ये हुआ मेरा एक फ्लावर, फ्लावर मैं गलत बना दिया यार, एक फ्लावर ये हो गया मेरा, खटखटा खटखटा खट बनाओ ना जी, फ्लावर बना दो, लगा दिया मैं डिफरेंट स्ट्रैन, मैं इसका प्लस एंड माइनस स्ट्रैन, आप समझ रहे हो ना, मेल एंड फीमेल गैमिट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट आपका क्या करते हैं, जैसे यहाँ से उठा मान चलो इसको लगा दो यहाँ से एक गैमिट उठ करके अनादर प्लांट जो उसके साथ, मतलब उससे अटैच्ड है, मतलब उससे थोड़ा दूर पे है। ठीक है, अनादर प्लांट जिसका पेरेंट, मतलब ये दोनों पेरेंटली सिमिलर ना रहे, ठीक है, उनका मदर सेल आपस में सिमिलर ना रहे,
ठीक है, उनका मदर सेल जो है आपस में सिमिलर ना रहे, और वो जा करके दूसरे प्लांट प्लांट से बाय द किसी इंसेक्ट, बाय द किसी वेक्टर के द्वारा, या तो पानी हो या तो कोई भी चीज़ हो, जिसके द्वारा वो जा करके दूसरे जगह लग जाते हैं, ठीक है, दूसरे से फ्यूज करते हैं, आपका जो फॉर्म करते हैं उसे हम होलोगैमी कहते हैं। यहाँ पे समझ में आया? द वेजिटेटिव सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ प्लस एंड माइनस स्ट्रेंथ, मेल एंड फीमेल आर फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, मेल एंड फीमेल जाइगोट फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, वो क्या करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है, सम यूनिसेलुलर फॉर्म एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। इन सम यूनिसेलुलर फॉर्म, जब यूनिसेलुलर फॉर्म में बोलते हैं, एग्जाम्पल में मान चलते हैं, ये मिटा दें यार, आप सबका ये पेड़ बन गया है यहाँ पे, अब फ्लावर देने वाला है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फ्लावर देने वाला है। इन सम यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर फॉर्म, जो आपका सम यूनिसेलुलर फॉर्म होता है वो एग्जाम, वो क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। ठीक भाई साहब, ठीक है, अरे थोड़ा शांत भी रहा करो जी कभी, अरे थोड़ा शांत भी रहा करो, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और मैं, अब मेरे को कभी अभी कुछ याद आ रहा है, जो आप इसके पहले वाला लिखे थे, ठीक है, ऑटोगैमी में, ऑटोगैमी का अगर आपको एग्जाम्पल देना हो, ऑटोगैमी का एग्जाम्पल देना हो, तो यहाँ पे डायटम्स, डायटम्स ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है। पूछोगे भैया ये क्या है, आगे चलो सब पता चलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा चीज, बस आप जितना समझ रहे हो उतना बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलो, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलो, आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। होलोगैमी आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप यार आप सबको समझ में आ गया आया होगा। ठोक दो लाइक, कर दो कमेंट, मतलब प्रेस कर दो, या हीट कर दो, मतलब हीट कर दो ना, कोई सब्सक्राइब वगैरह थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दो, अगर पसंद आए वीडियो तो आप सब शेयर करो मस्त से, तगड़ा से, मज़ा ना आया, अगर मज़ा ना आया तो मेरे को बताना। और हाँ, अगर आप सबको कुछ लगता है कि भैया थोड़ा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ को समझाने में, देन आई वॉन्ट टू ट्राई, तो बस हम प्रयास करेंगे भाई साहब, काहे कि हम सब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम सबको जितना आवत है उतना आप सबको बताइए, ठीक है, मतलब जितना भी हम सबसे हो सकता है, हम सबसे जितना भी, अब भाई ट्रांसलेशन में जो भी थोड़ा सा कुछ हिंदी के फॉर्म में, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, तो हम, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं भाई, तो हम हिंदी ही बोलते हैं, तो हम हिंदी से ही लेकर के थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसा घैमेट, घैमेट अगर कर दिया जाए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, घैमेट कुछ नहीं समझ में आएगा, घैमेट क्या है, होता है झाइखोर, तो झाइखोर था खहरा कुछ, ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट आप सब वो नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो सब फॉरेन लैंग्वेज में है। चलो ठीक है, मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ये चीज़ करता हूँ, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये चीज़ बोलता हूँ यार, थोड़ा सा आप सबके साथ है, ये भी याद रखिए कि आप सबके साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनकी इंग्लिश, इंग्लिश वगैरह सब चीज़ वीक है, ठीक है, उनकी राइटिंग स्किल भी थोड़ा सा वीक है, तो उनको भी स्ट्रांग करना है भाई, आप सब ये ना मान, चलो थोड़ा सा आप सबको आता है तो थोड़ा सा आप सब डाउनवर्ड में रह जाओ यार, थोड़ा सा मतलब ये सोच लो कि थोड़े थोड़े हमारे सब साथ के छोटे भाई भी हैं, साथ में लेकर चलना होता है यार, सबको साथ में लेकर चलना होता है, किसी को कुछ भी नहीं आता यार, तो सबको साथ में लेकर चलना होगा ना, सबको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है, तो चलते हैं फिर। ये ऑटोगैमी का एग्जाम्पल लिख लेना आप, डायटम, ठीक है, ऑटोगैमी का एग्जाम्पल लिख लेना आप, डायटम्स, डायटम्स हो गया है यहाँ पे, डायटम्स लिख लेना, ठीक है, डायटम्स ऑटोगैमी का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना, डायटम्स, ओके। थोड़ा यार पहले मैं बोर्ड पे पूरा लिख करके पढ़ाता था, तो थोड़ा बहुत कुछ एरर्स आएंगे, ठीक
जो मैं धीरे 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 एक दो लेक्चर में इम्प्रूव कर ले जाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट ना करिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है देन आप कमेंट कर सकते हो, श्योर आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सबको कुछ ऐसी जैसी प्रॉब्लम हो रही है कि भैया थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े से रुक जाते हैं, तो आप सबको हेजिटेशन उसमें फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें हेजिटेशन वो नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कभी 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 कोई इंग्लिश या स्पीक मतलब एरर्स रहती है, थोड़ा सा बैकवर्ड हो के हो करके तब मैं थोड़ा सा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि अगर मैं लिख के स्लाइड को बड़ा पढ़ा रहा हूँ और ऐसे करके पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इससे वो हो गया, हेजिटेशन होगा, एक दो बार होगा, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद तो सब ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद तो आपका सबका सब सब चीज़ ऐसे चलता रहेगा। ये भी मिटा दूँ, ये भी मिटा दूँ, अब चलो जी आगे चलता हूँ। आइसोगैमी का पढ़ा रहा हूँ, आइसोगैमी का अब मैं बताता हूँ, तीसरा वाला आइसोगैमी, आइसोगैमी आइसोगैमी क्या है भाई, बता दो जी, बता दो, ये चाप नहीं चल रहा यार। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। आइसोगैमी का मतलब क्या होता है, आइसोगैमी का मतलब ये होता है, चलो ठीक है, आप सबको 30 मिनट्स हो चुके हैं आइसोगैमी में चल रहे थे। आइसोगैमी पढ़ाने से पहले हम कुछ आप सबको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट कर दें आप सबको, ठीक है। क्योंकि तो देखते हैं कई कई बच्चे उबते उबने लगते हैं बीच बीच में पढ़ते वक्त, ठीक है, उबने लगते हैं। ये होता है कि हाँ मतलब पढ़ने पढ़ते वक्त आप सबको बीच बीच में वो लगने लगता है कि हाँ मतलब कुछ चीज़ मोटिवेशन लायक नहीं रहता ना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यार रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपना डायलॉग था, वो तो कॉमन डायलॉग है यार, लेकिन हाँ यार थोड़ा सा अगर आप डीप में सोचते हो तो ये आपके लिए देन सफिशेंट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छी तरीके से वो करिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब पढ़ाते हैं, आइसोगैमी पे आते हैं। आइसोगैमी पे आपका भाई पढ़ाएगा आज, आइस मतलब अब चलते हैं आइसोगैमी पे, ठीक, ओके। आइसोगैमी क्या होता है, आइसोगैमी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आइसोगैमी ये बोलता है द टू गैमिट्स which is fused to form a diploid zygote physiologically similar to each other. ठीक है, ये ज्यादा कुछ नहीं बताता। द टू गैमेट्स विच इज फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जब दो गैमेट आपस में फ्यूज करके फॉर्म करते हैं डिप्लॉइड जाइगोट्स को, ठीक है। विच इज मार्फोलॉजिकली आर फिजियोलॉजिकली सिमिलर टू द ईच अदर, जो कि मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, कुछ ऐसी कंडीशन में बताता हूँ कि मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कंडीशन कहाँ पे सेम होती है। जब आप वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास के इसका एग्जाम्पल है, वॉलवॉक्स एंड क्लेमाइडोमोनास के जब मेंबर्स पे देखते हैं तो देन सिमिलरिटीज शो करते हैं, क्योंकि ईच ऑफ द सेल विच विल बी सिमिलर टू द ईच अदर, जो जो इनका एक सेल रहता है
वो लगभग लगभग सिमिलर रहता है दूसरे सेल के। ठीक है, आई स्पॉट हो गया, ठीक है, इसका फ्लैगला हो गया, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। मॉर्फोलॉजिकली मतलब सिमिलर होता है, देन लाइक देन मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, समथिंग और डिफरेंस, कुछ कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा कोई बड़ा मतलब न्यू माइक्रॉन में थोड़ा सा कोई इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिमिलर दोनों मतलब जितने रहेंगे सब एक साथ में रहेंगे। ठीक है, सब एक साथ में रहने की वजह से सब एक दूसरे से सिमिलरिटीज शो करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही है कि सब एक दूसरे से सिमिलरिटीज शो करते रहेंगे। द टू गैमेट्स विच इज फ्यूज्ड टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जायगोट्स विच इज मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर टू द ईच अदर। यहाँ पे यही बोला जाता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं एक दूसरे के, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं। ठीक है, ये जो हाँ मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर रहते हैं। एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास एंड प्लाकारा। क्लेमाइडोमोनास एंड कारा, ठीक, यही दो एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है, इसका बस इतना ही आप समझिए। ठीक है, मेन मेरा ये मोटो है कि आइसोगैमी अगर कहीं पर टर्म्स आए तो आप ये समझ जाइए कि आइसोगैमेट्स मतलब बताता क्या है। आइसो मतलब देन सिमिलर बाय द फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। ठीक, मेरा यही मेन मोटो है कि आप सबको समझाना। ठीक है, यहाँ पे आप सबको समझाना मेरा मेन मोटो है। एंड एक चीज इसमें आप और ज़्यादा वो कॉमन पॉइंट है, क्या पॉइंट है मैं और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ आपने इसमें। ठीक है, ये क्या फंक्शन करता है देखिए, ये क्या है कि जो जो भी मतलब जो भी जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गए, ठीक है, जो भी इनका जाइगोट होगा वो क्या करेगा, वो मोटाइल होगा या फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है ना, मोटाइल भी होगा और फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, मोटाइल होगा बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन, बस बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन दे आर मोटाइल। फ्लैजिलेटेड ये यहाँ पे लिखे ना, फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में क्या रहते हैं, मोटाइल रहते हैं, फ्लैजिलेटेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि तो फ्लैजिला जब तक नहीं प्रेजेंट होगा यार तो फ्यूज कैसे करेंगे। अगर कोई चीज गैमेट्स हुआ आपस में अगर फ्यूज करना चाह रहा है तो कैसे फ्यूज करेंगे। ठीक है ना, बस इतना समझिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ टर्म्स वाले टर्म्स नहीं है कि ऐसा कुछ ऐसा टर्म हो जो मैं आप सबको तो समझा रहा हूँ ना समझ में आए। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट यार। बट देखो यहाँ पे लिखा था टू गैमेट्स विच इज फ्यूज फॉर्म विच इज फ्यूज फॉर्म एंड डिप्लॉइड जायगोट विच इज अबाउट विच इज मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर टू द ईच अदर। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं ईच अदर बट एक दूसरे के, बट मोस्ट ऑफ द कंडीशन बहुत अधिकतर कंडीशन में क्या होता है कि दे आर मोटाइल आर एंड फ्लैजिलेटेड। ठीक है ना, एंड कर दो या और कर दो, और फ्लैजिलेटेड। ठीक है ना, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स का एग्जांपल मैं अभी बता चुका हूँ कि आइसोगैमेट्स का एग्जांपल होता क्या है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा मैं इसका एग्जाम्पल आप सबको दे चुका हूँ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप सबको दे चुका हूँ। अब चलता हूँ अगले वाले में। अगले वाले में मतलब कौन सा, एन आइसोगैमी। तो भैया बता दो होता क्या है एन आइसोगैमी। चलो मैं मिटाता हूँ तो बताता हूँ आप सबको। बता दो ना जी, बता दो भाई, थोड़ा
थोड़ा सा बता दो ये क्या होता है। देखो इसमें अगर पहले मैं थ्योरी लिखा देता हूँ आप सबका, थ्योरी भी थी क्योंकि यार अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखेंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखेंगे तो थ्योरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। थ्योरी आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर देखो यार थ्योरी ही लिखो, थ्योरी ही लिखो लिखोगे ठीक है, तो ये क्या होता है कि इन द आइसोगेमिस फ्यूजन इन द आइसोगैमिट फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आर डिस्टिनेक्ट ठीक। ये क्या होते हैं आइसोकेमिट्स में क्या होता है, ठीक है। आइसोकेमिट्स में क्या होता है, जब ये फ्यूजन करते हैं टेक्स्ट स्पेस बिटवीन द मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आर डिस्टिनेक्ट। ये मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कंडीशन में ये डिस्टिनेक्ट होते हैं, मतलब सिमिलरिटी शो नहीं करते, मतलब एक दूसरे से डिस्टिनेक्ट होते हैं ये मार्फोलॉजिकली, मतलब किसी भी प्रकार कंडीशन से, किसी भी कंडीशन से ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते, ठीक है। तो जो है इसमें मेल गैमिट आर स्पोरोफाइट द मेल गैमिट आर स्पोरोफाइट द मेल गैमिट्स आर स्पोरोफाइट, या तो माइक्रोग्राम गैमिट बोल सकते हो। गैमिट माइक्रोगैमिट्स होते हैं, ठीक है ना। मेल गैमिट जिसको आप बोल सकते हो माइक्रोगैमिट्स, एंड मैक्रोगैमेट्स जिसको आप कह सकते हो कि फीमेल फीमेल गैमेट जो आपका होता है, एंड फीमेल गैमेट की बात करते हैं, फीमेल गैमेट आर मैक्रोगैमेट्स। ठीक है, मैक्रोगैमेट्स। अब इसमें एक चीज और है, बट कंपैरिजन टू द मैक्रोगैमेट्स कंपैरिजन टू द मैक्रोगैमेट्स माइक्रोगैमेट्स आर टू स्मॉल विच मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन मोस्ट
most active in condition. मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन आप बोल सकते हो, क्योंकि मोस्ट एक्टिव आप ये बोल सकते हो कि ये अपने लेस देन साइज के कारण माइक्रोगैमिट्स आपके जो है मैक्रोगैमिट्स माइक्रोगैमिट्स होते हैं, ये मैक्रोगैमिट्स फीमेल गैमिट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव हैं होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, कंपैरिजन टू द, अगर हम बात करें कंपैरिजन टू द माइक्रोगैमिट्स, माइक्रोगैमिट्स आर टू स्मॉल विच इज मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन। एक्टिव कह सकते हो या तो इनके पास ये समझ लो कि ये स्मॉलर साइज में होने के कारण, ड्यू टू द ये स्मॉलर साइज में होने के कारण, ठीक है, मैक्रोगैमिट जो होता है ये फीमेल गैमिट होता है, ये थोड़ा सा बड़े साइज में हो जाएगा, ठीक है, और माइक्रोगैमिट जो होता है ये मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट ये थोड़ा स्मॉलर इन साइज होता है, फॉरेन ग्रेन बोल सकते हो इसको आप, ठीक। अब देखो ये क्या होता है, अब यहाँ पे आप सब बहुत अच्छी तरीके से सिमिलरिटी मतलब क्या है कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, आप सबको बहुत आसानी से शो हो जा रही है, ठीक है, आसानी से शो हो जा रही है, ठीक है। ये शायद आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर बना दे रहा हूँ, ठीक है। अरे थोड़ा सा एक डॉटेड पॉइंट में मान लो, क्योंकि इतना छोटा रहता है यार, विदाउट माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट विजिबल, ठीक है, मेल गैमेट्स को विजिबल नहीं किया जा सकता, माइक्रोगैमिट्स एंड मैक्रोगैमिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ध्यान से समझना, इन द आइसोगैमिट्स फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एट डिस्टेंट, मॉर्फोलॉजिकली कंडीशन में एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये डिस्टेंट होते हैं, एक दूसरे से सिमिलरिटी शो ही नहीं करते, जस्ट इसका अपोजिट मान लो, ठीक। आइसोगैमिट्स का एंड आइसोगैमिट्स में जब आइसो है ना, आइसो के आगे ए लगा दो, आई है उसके आगे ए लगा दो, ए फॉर एब्सेंट, ठीक है ना। तो जब आइसो में एनाइसो कर दोगे तो उसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इसमें क्या रहेगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली आर सिमिलर टू द ईच अदर, तो इसमें जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली कंडीशन से ये डिस्टिनेक्ट होते हैं ईच अदर के, ठीक है ना, कि ये सेम नहीं होते हैं, मतलब डिस्टिनेक्ट होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं। मेल गैमेट विच आर स्पोरोफाइट, बीच आर द माइक्रोगैमिट्स, सॉरी स्पोरोफाइट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, स्पोरोफाइट नहीं होगा, ठीक है। द मेल गैमिट्स आर माइक्रोगैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स आर मैक्रोगैमिट्स, ठीक, माइक्रोगैमिट्स एंड मेल गैमिट होता है, ठीक है, मेल गैमिट आपका माइक्रोगैमिट होता है एंड फीमेल गैमिट आपका मैक्रोगैमिट होता है। मैक्रोगैमिट क्या होता है, लार्जर इन साइज में होता है, ये स्मॉलर इन साइज में होता है, मोस्ट एक्टिव एंड कंपेरिजन टू द माइक्रो माइक्रोगैमिट्स आर टू स्मॉल विच इज मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन, क्यों मैं मोस्ट एक्टिव इन कंडीशन में होता है, ठीक है। माइक्रोगैमिट्स क्या होता है कि जो है आपका माइक्रोगैमिट्स जो होता है ये जो है आपका लार्जर इन साइज होता है, फीमेल गैमिट्स होता है, ठीक है। माइक्रोगैमिट्स क्या होता है, माइक्रोगैमिट्स क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है, ये मेल गैमिट्स होता है। इसे माइक्रोगैमिट्स तक पहुँचना ही, माइक्रोगैमिट्स तक पहुँचने की इंपॉर्टेंस रहती है ना, मतलब बिना पहुँचे ही कैसा करेगा, ठीक है ना, निकलेगा किसी न किसी वेक्टर, किसी न किसी वाहक के द्वारा ये जाएगा, दूसरे से अटैच होगा, देन आपका फ्यूज करेगा। इसको तो हल्का लाइटली होना चाहिए ना यार, तो ये लाइट रहता है, बहुत ही लाइटर, बहुत ही लाइट रहता है, ठीक है, बहुत हल्का रहता है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा एक्टिव कंडीशन में, इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा तो कैसे जाके वहाँ से पोलन ग्रहण से मतलब अटैच होगा फीमेल गैमेट से, ठीक है ना। अब तब जाके अपना आपका डिप्लॉयड जायगोट फॉर्म करता है। यहाँ बस मेरे को इतना समझाना है कि बस आप समझ गए ना, यहाँ मेल गैमेट यहाँ फीमेल गैमेट, ठीक है, अपना वो कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी इसका एग्जांपल है, आपको नहीं दिख रहा होगा ये, आप साठ स्किन ले लीजिए या जो है चाहे जो भी कर लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, समझ में ज़रूर आएगा, आई थिंक आई होप यार, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे
दिख नहीं रहा होगा आप सबको, ठीक है। तो मैं वही बस इतना बोलना चाहता हूँ यार कि आप सब मन लगाओ कोई चीज़ करने में, होता कैसे नहीं। देखो आप सबको हम अपनी कहानी बताते हैं, ठीक है। मैं जब यहाँ पे आया था सबसे पहले पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जब एडमिशन लिया, तो ये हुआ कि यहाँ की जो है बहुत सारे टीचर्स प्रोफेसर्स की लैंग्वेज हमको नहीं समझ आती थी। जो बोल रहा है यार आप सबके सामने खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है। जितने भी टीचर्स थे जितने भी प्रोफेसर्स थे उनकी लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ में आती थी, ठीक है। आप डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ कि नहीं समझ में आती थी। इसलिए नहीं समझ में आती थी कि सॉरी इसका एग्जाम्पल देना मैं भूल गया, ऐसे उगाने का इसका एग्जाम्पल तो पहले नोट कर लो, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, ठीक है। अरे यार क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी हुआ, ठीक है। ब्राउनी, क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी इसका एग्जांपल है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, इसका एग्जांपल है। ईएक्स डाल के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल है ये, आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार यही मोस्ट ऑफ द यही 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 कंडीशन रही। सबसे पहले पहले मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं खुद आया, खुद से देखा, तो यहाँ पे ये लगा कि यार इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि यार बिलोंग किया था हिंदी मीडियम स्टूडेंट की वजह से, ठीक है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में भी कुछ चीज़ हम अगर अपनी अकॉर्डिंग टू अपने हिंदी लैंग्वेज पे करते हैं तो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है किसी न किसी बच्चे को जो ICSE या CBSE बोर्ड से है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं वो नहीं मानता है, ठीक है। तो बस आप इतना समझिएगा कि मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम सबको होती है, ठीक है। लेकिन हाँ फेस करो यार, तो देना आपको बहुत अच्छी मतलब वो मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा सुकून मिलेगा कि आप सब हाँ कोई चीज़ अगर फेस करके आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो मेरे को जैसे कोई सफलता अगर हमको पानी है। देखो बात ये रहती है कि जैसे कोई टीचर्स कोई मतलब कोई IAS या PCS या कोई भी अधिकारी वगैरह रैंक पे गया तो क्या रहता है, अगर उनको मैं डायरेक्ट मतलब अगर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, एक सपोज दैट मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ कि आप एक ऐसा बंदा जो एकदम गरीब खानदान से बिलोंग करता हो, गरीब मतलब गरीब फैमिली से मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, उसको मैं क्या करूँ कि एक बैग इतना मतलब मैं क्या करूँ कि मैं उठाऊँ बिना किसी भी चीज़ के, मैं उसको एक IAS अधिकारी बना दूँ। तो ये क्या करेगा, उस दिन अपने पोस्ट पे रहेगा, फिर उसका गलत फ़ायदा उठाने लगेगा क्योंकि उसको बिना मेहनत किए हुए कोई चीज़ मिला हुआ है, ठीक है। तो आप अगर अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, मतलब मेहनत क्या यार, मैं तो ये कहता हूँ कि मेहनत उतना ही करो, मतलब अगर 2 घंटे पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मैं चाहता हूँ आप 2 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो आप अच्छे से पढ़ो, लेकिन हाँ ये नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है, ठीक है। ऐसा ना पढ़ो कि मुझे किसी को दिखाना है, किसी को दिखाने के लिए मुझे कुछ करना है, ऐसा ना करो, ठीक है। तो हाँ चलते हैं इसके आगे वाले पे, क्योंकि आप सबका लेक्चर भी बड़ा हो रहा होगा आई होप। थोड़ा सा देख लेता हूँ कि लेक्चर कितने मिनट का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यार अकेले ही वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ उगैमी में जैसे अब आप सबको ISO एंड उगैमी अब स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। वो गेम्स क्या है, वो गेम्स क्या है, अरे थोड़ा मेरे को बताओ ना, थोड़ा भैया बता दो वो गेम्स है क्या, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत थोड़ा एडवांस, दिस इज द एडवांस, दिस इज द इस एडवांस, प्रोसेस ऑफ
of sexual reproduction. This is advanced process of sexual reproduction. ये advanced process है sexual reproduction का. जितने भी हैं ISO, NISO and ओगैमी, मतलब NISO, NISO जितने भी इसके पहले गैमेट बने हैं उनसे ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना. रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस लार्ज नॉन मोटाइल एग क्या होता है, ROM फ्यूज विद स्मॉल मोटाइल स्पर्म, ठीक है ना. ये क्या करता है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं दिया गया यार, थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉपर नोट्स बनाना बताना होता है ना, तो थोड़ा सा आपको बाई द मिस्टेक मेरे से कोई कहीं गलती, अगर मतलब गलती क्या बताऊँ, मतलब कोई भी गलती ना हो जाए इस वजह से थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ मिल रहा है कि नहीं इसमें से आप सब, ठीक है, आप सब में मिल रहा है. देन हम ये इम्प्रूव करेंगे कि आप सबको बस एकदम फ्रिक्वेंट होकर पढ़ाने का स्टार्ट कर दें, क्योंकि ऐसा पढ़ाना मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ. इसके पहले पूरा स्लाइड टू स्लाइड पढ़ाता था तो वो कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपना भी लैंग्वेज रहेगा. इन दिस प्रोसेस अ लार्ज नॉन मोटाइल एग और ओएम फ्यूज विद स्मॉल मोटाइल स्पर्म, ठीक है. In this process, a large non-motile ओम आर फ्यूज्ड विद एमोटाइल एमोटाइल एंड स्मॉल स्पर्म, ठीक है. इसमें क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या स्मॉल एंड नॉन मोटाइल एग बोल सकते हैं, स्मॉल एग्स बोल सकते हैं इसको, स्पर्म में बोलूं, एग बोल लो इसको, ठीक है. इसमें ज़्यादा कुछ कंडीशन नहीं है. This is the advanced process of sexual reproduction. In this process, a large non-motile ovum are fused with a motile and a small egg. Are fused with a motile egg. ठीक है. तो ठीक है, दिस मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, ठीक है. एक ऐसा एडवांस प्रोसेस होता है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है. ये सबसे एडवांस प्रोसेस है सबसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इसमें क्या होता है कि लार्ज नॉन मोटाइल ओवम जाके फ्यूज करता है आपके मोटाइल स्मॉल एक से ओवम जाके फ्यूज कर जाता है. एक मोटाइल होता है जो कि हमारा एग होता है, जो कि हमारा स्मॉल एग होता है, एंड मोटाइल होता है जो कि हमारा नॉन मोटाइल होता है जो कि हमारा ओम होता है. तो इसमें तुरंत बस यही कह सकते हो कि अपोजिट केस होता है, इसमें मोटाइल ओम आकर के एग से ओम आकर के मतलब एग से थोड़ा सा उल्टा है यहाँ पर प्रोसेस होता है कि यहाँ पे ओवा आकर के एग से फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना. यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है, क्योंकि हर जगह एग जा करके ओम के साथ फ्यूज करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है, बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है.
इन रोडोफाइसी स्पर्म आर नॉन मोटाइल, ठीक है, एक्सेप्शनल कंडीशन में दे सकते हो, स्पर्म आर नॉन मोटाइल, ठीक है, इन रोडोफाइसी के कंडीशन में अगर देखोगे तो स्पर्म जो होता है नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म जो होता है नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना, स्पर्म जो होता है यहाँ पे वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस में है, ठीक है। बटेकोस्पर्मम एंड बाउचेरिया कारा एंड पॉलीसाइफोनिया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अगर नोट करना चाहो, बटरेकोस्पर्मम, कुछ लोग बटेकोस्पर्मम बोलते हैं इसको, ठीक है, बटेकोस्पर्मम, बाउचेरिया कारा, बाउचेरिया कारा एंड पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोन। अब आप सबका ये पूरा हो गया, ठीक है, बटेकोस्पर्मम, ठीक, वाउचेरिया कारा एंड पॉलीसाइफोनिया, चार इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ऊगैमस आर एडवांस कंडीशन, ठीक है ना, थोड़ा सा एडवांस है इन कंपैरिजन टू सबके, ठीक है, ध्यान से समझना, समझने तो आ गया होगा, आई होप, ठीक है, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सबको समझाने में सक्षम रहा, और अगर कुछ आप सबको नहीं समझ में आया तो आप सब कमेंट करिए मस्त से, एकदम तगड़े से, ठीक है, लाइक ठोको ठोको लाइक करो, सब्सक्राइब एंड हिट कर दो बेल आइकन को, जैसे आप सबको जितना भी बताया जाए वो जितना भी मतलब जितना भी आप सबको पढ़ाया जाए वो चीज़ नोटिफिकेशन के तहत आप सबके पास आती रहे, ठीक है, बस इतना ही बोलना था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।